दीपक बिष्ट दिल्ली के कमला नगर इलाके में बाइक सवार बदमाश एक जज का फोन छीनकर फरार हो गए। 30,000 कोर्ट में तैनात मजिस्ट्रेट अपने परिवार के साथ खाना खाने बाहर गए थे, लेकिन तभी बदमाशों ने उनका फोन छीन लिया। शनिवार को इसी इलाके में लुटेरों ने पीएम मोदी की भतीजी का पर्स भी छीन लिया था। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, जज का फोन छीना गया है, राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ये ऐसा इलाका है जहाँ पर अमूमन जो हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर हमेशा चेक पोस्ट और पुलिस टिकट होने का दावा करती है दिल्ली पुलिस। लेकिन जिस तरह से वारदात हुई है, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन जज थे वो अपने परिवार के साथ नजदीक घर के नजदीक ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे और उसके बाद जब वापस लौट रहे थे बात करते वक्त अचानक स्नैचर आए और उनका फोन छीन कर ले गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी जो आसपास का सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात, क्योंकि एक दिन तीन दिन पहले ही पीएम मोदी की भतीजी के साथ स्नैचिंग हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि हम दिल्ली में हर जगह पर पुलिस टिकट को बढ़ाएंगे और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो बहरहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। दीपक, शुक्रिया आपका। गुजरात के कच्छ में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। देर रात की ये घटना है और हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। बताया जा रहा है कि दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, ऐसे में आग तेजी से फैल गई। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है, इसकी जांच भी होगी। लेकिन ये आग आसपास ना फैले इसीलिए इसको बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, इसके अलावा दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग काफ़ी भीषण है और प्लास्टिक में वैसे भी आग तेज़ी से फैलती है। ऐसे में कैसे ये आग लगी इस बारे में जांच होगी। क्या फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं थे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के कच्छ से, जहाँ पर प्लास्टिक फैक्ट्री में ये आग लगी है और आग काफ़ी भयंकर है, जो कि तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। आग इतनी भयंकर कि इसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया है और बताया जा रहा है कि देर रात ये घटना घटी क्योंकि रात का वक्त था। ऐसे में क्या फैक्ट्री में उस वक्त कोई कर्मचारी था या नहीं, ये भी देखना होगा कि कुछ लोग तो उसके अंदर फंसे हुए नहीं हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि रात का वक्त होगा, ऐसे में फैक्ट्री में ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन इस वक्त कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए क्योंकि आग काफ़ी भयंकर है, धुएं का गुबार नज़र आ रहा है। दमकल की कई गाड़ियाँ इस वक्त पहुँची हुई हैं आग को बुझाने में। आग कैसे लगी ये भी जाँच का विषय है। ये गुजरात का कच्छ इलाका है जहाँ पर ये प्लास्टिक फैक्ट्री थी और इसमें आग लगी। आग पहले लग जाती है, उसके बाद इतनी तेज़ी से फैलती है, तो क्या फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं थे, कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं इस घटना के बाद। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की खुदकुशी से खफा उनके साथी कर्मचारियों ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बर्खास्त 48,000 कर्मचारी पिछले 10 दिन से हड़ताल पर हैं, जिनमें दो कर्मचारियों ने प्रदर्शन के समय खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से गुस्साए उनके साथी कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए और वहां पर जाम लगाकर नारेबाजी की। मांगे नहीं मिले तो बस का भैया नहीं चलेगा, बस का भैया नहीं चलेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने जान गंवाने वाले अपने साथियों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा और उनके समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का गुस्सा यही नहीं रुका और उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर पर अपने कर्मचारियों की हत्या करने का आरोप भी लगाया। दे आर नॉट सुसाइड्स, दे आर द मर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज मर्डर्स आर कमिटेड बाय द चीफ मिनिस्टर व्हिच द स्टेटमेंट व्हिच वर डीमोरलाइज्ड आवर वर्कर्स। यूपी के प्रयागराज में यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच जोरदार झड़प हुई। वहां एक छात्र संगठन से जुड़े कुछ छात्र छात्र संघ बहाली के लिए जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन तभी उनकी दूसरे गुट के छात्रों के साथ झड़प हो गई। हंगामा होते देख पुलिस भी वहां पहुंची और छात्रों को खींचकर हटाने लगी। पुलिस के बीच बचाव करने के बाद भी छात्र एक दूसरे से भिड़े रहे। एक छात्र ने तो पुलिस वालों के सामने ही दूसरे छात्र पर हमला कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत
पुलिस की कार्रवाई से खफा छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों की वहां पहुंचे चीफ प्रॉक्टर से भी जमकर बहस हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। एक चीफ प्रॉक्टर अपने प्राइवेट गुंडों को सताए और आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर लाठियां चलवा दी और अपने अवैध असलाह से गोलियां चलाने काम किए। चीफ प्रॉक्टर ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर डराने धमकाने और छात्र संघ चुनाव में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। कुछ निष्कासित और निलंबित लोग विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करके आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और छात्रों को, शिक्षकों को, सबको ये डरा धमका रहे हैं। हंगामे को देखते हुए वहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दिल्ली NCR के लोगों को हल्की ठंड का एहसास होना अभी शुरू ही हुआ, सांस लेना मुश्किल हो गया। पड़ोसी राज्यों में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली होने लगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट, NGT और सभी राज्यों की सरकारें पराली जलाने पर रोक के बड़े बड़े दावे करती रही हैं। पराली जलाने का ये वीडियो पुराना नहीं बल्कि एकदम ताजा है। हरियाणा के कैथल के चीका कस्बे में पराली जलाई जा रही थी। न्यूज 18 का कैमरा पहुंचा तो किसान पल भर में गायब हो गए, लेकिन धुआं किसानों के जाने से गायब नहीं हुआ। धुआं तो हवा में तैरता हुआ दिखने लगा। यही वो धुआं है जो दिल्ली के लोगों का सांस लेना मुश्किल कर रहा है। किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है, जिसका असर सबसे ज्यादा दिल्ली NCR में नजर आ रहा है। दिल्ली में हवा इस कदर जहरीली होने लगी है कि लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को है जो सुबह की ताजी हवा में घूमने या एक्सरसाइज करने के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन अब दिल्ली के लोगों के लिए सुबह की ताजा हवा ही फेफड़ों में जहर घोल रही है। केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में भी पराली बेरुकटोक जलाई जा रही है, जिसका असर हवा में दिखने लगा है। ग्रेटर नोएडा के गांव में भी न्यूज 18 के कैमरे में खेतों में जल रही पराली कैद हुई। हम ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव में मौजूद हैं, यहां के एक खेत में मौजूद हैं, जहां अगर आप तस्वीरों में देखें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पराली जलाई जा रही है। न किसानों में सख्त कानून का डर दिख रहा है और न ही सरकारी योजनाओं का कोई असर। नतीजा ये है कि हर साल की तरह इस बार फिर दिल्ली के लोग बेहाल हो रहे हैं। एक हफ्ते से पॉल्यूशन शुरू हो गया है, लोगों को सर्दी जुकाम खांसी गले में खिचखिच की शिकायत यंग को भी हो रहा है। हाँ, डस्ट बहुत लग रही है आज, तो ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, तो एक्सरसाइज भी आज करने को मन नहीं किया। सड़कों पर लगे बड़े बड़े मीटर अभी से खतरा दिखाने लगे हैं। अभी इस वक्त हम लोधी रोड में मौजूद है और लोधी रोड के बाहर लगा पॉल्यूशन मीटर अगर हम आपको अभी दिखाएंगे तो यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो PM2.5 पर 223 एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ, जो खराब की श्रेणी में आता है। अभी तो हवा का जहरीला होना केवल शुरू ही हुआ है। पीएम मोदी हरियाणा में आज भी दो चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली सुबह 10 बजे चरखी दादरी में, दूसरी दोपहर 12 बजे कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी जबकि 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। यूपी के चित्रकूट में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए इलाके के सांसद आरके पटेल ने चावल बांटकर लोगों को रैली में पहुंचने की कसम दी। वहां मानिकपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंच रहे हैं और उनकी जनसभा में भीड़ कम ना हो, इसलिए वहां से बीजेपी सांसद आरके पटेल ने खुद घर घर जाकर लोगों को न्योता दिया। सांसद आरके पटेल ने लोगों को हल्दी में रंगे चावल देकर रैली में जरूर पहुंचने की अपील की। सांसद आरके पटेल ने बाजार और दुकानों में जाकर वहां मौजूद लोगों को चावल दिए और चावल के हर दाने के बदले बीजेपी को वोट देने की अपील की। मोदी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, लोगों से आह्वान कर रहे हैं और इसीलिए चावल हम बांट रहे हैं। जापान में दो दिन पहले टकराए हगिबिस तूफान ने बीते 60 साल में सबसे ज्यादा तबाही मचाई और इस तूफान की चपेट में आने से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मची तबाही का अंदाजा नदियों के किनारे बसे मकानों को ढहते हुए देखकर लगाया जा सकता है। हगिबिस तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गई। तूफान का सबसे बुरा असर कावागुए इलाके में पड़ा, जहाँ के एक ओल्ड एज होम में बाढ़ में फंसे कई बुजुर्गों को निकाला गया। हगिबिस तूफान की रफ्तार 214 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। तूफान के दौरान समुन्दर में ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी गयी। तूफान जिस भी इलाके से गुजरा वहाँ की इमारतें मलबे में बदल गयी। बाढ़ का बुरा असर राजधानी टोक्यो में भी पड़ा, जहाँ के कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि मेट्रो ट्रेनें भी पानी में डूब गयी।
इस तूफान के गुजरने के बाद 1 लाख से ज्यादा जवानों को राहत के काम में लगाया गया। तेज बारिश और बाढ़ की वजह से वहां के पीएम शिंजो आबे ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी और उन तक जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। तूफान में फंसे लोगों की मदद के लिए बचाव दल ने हेलीकॉप्टरों का भी सहारा लिया, क्योंकि कई इलाकों में पानी भरा होने की वजह से गाड़ियों से लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। हालांकि राहत बचाव के लिए नावों की भी मदद ली गई। जापान सरकार ने तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई। जापान सरकार ने कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी घटने की भी जानकारी दी। एक अस्पताल में भी लोग पानी घटने के बाद कीचड़ साफ करते नजर आए। बाढ़ और तूफान की वजह से 75,000 से ज्यादा मकानों की बिजली काट दी गई। यही नहीं, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के मकानों में साफ पानी आना भी बंद हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक संजय गुलाटी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो 51 साल के थे। संजय गुलाटी कल पीएमसी बैंक के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। संजय गुलाटी के पीएमसी बैंक में 90 लाख रुपए जमा हैं और जब से बैंक के जो नए नियम आए हैं, क्योंकि खाता धारक बेहद परेशान चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है पीएमसी बैंक के खिलाफ। और अब खबर यह है कि संजय गुलाटी, जिनके 90 लाख रुपए जमा थे बैंक में, उनकी मौत हो गई है। विवेक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। विवेक, ये बेहद दुखद है और संजय कल विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे। विवेक से हम फिर से संपर्क साधेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारक संजय गुलाटी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो 51 साल के थे। संजय गुलाटी कल पीएमसी बैंक के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। विवेक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। विवेक, ये बेहद दुखद है और संजय कल विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे। बिल्कुल जी, जबकि आपने देखे जो संजय गुलाटी हैं, जिनकी उम्र 51 साल बताई जा रही है, कल उन्होंने पीएमसी में जो आरोपी की पेशी हो रही थी उसमें मुंबई के किला कोर्ट के बाद धरना प्रदर्शन में वो काफी ज्यादा शामिल भी थे। और आपको बताना चाहेंगे कि उनके खाते में जो जानकारी हमें मिल रही है, 90 लाख रुपए के आसपास उनके खाते में जमा थी और उन्हें पैसे की और व्यापार में काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। और परिवार का आरोप है कि पैसे निकालने की न वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस और परेशानी में थे और इसी वजह से उनको उनका कल देर रात हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। उस परिवार का आरोप है कि इस पूरे मामले और जो उनकी जो मौत हुई उसकी जिम्मेदार पीएमसी के अधिकारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके खाते में पैसा है और जो खाता धारक है अपना पैसा खुद निकाल नहीं पा रहे हैं, अपने बिजनेस में यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से संजय गुलाटी काफी ज्यादा परेशान थे। बिल्कुल विवेक, शुक्रिया आपका। गुजरात के जामनगर मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर ही डेंगू की चपेट में आ गए। बीमार होने की वजह से इन रेजिडेंट डॉक्टरों को अपनी मेडिकल की परीक्षाएं भी अस्पताल के बेड से ही देनी पड़ी, जिसके लिए अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की गई। इस वार्ड में डेंगू की चपेट में आए कई रेजिडेंट डॉक्टरों को भर्ती किया गया। बीमार डॉक्टरों का साल बर्बाद ना हो, इसके लिए अस्पताल के वार्ड को ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया। बीमार मेडिकल छात्रों ने इलाज करवाते हुए अस्पताल के बिस्तर से ही परीक्षा दी। परीक्षा के समय कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया था। अस्पताल से परीक्षा दे रहे इन डॉक्टर में MBBS के सेकंड और थर्ड ईयर के छात्र शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में अब तक 15 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। दुबई में कार्यक्रम के दौरान दुनिया की सबसे महंगी सैंडल को पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक इस सैंडल की कीमत 141 करोड़ रुपए है और इसे दुनिया की सबसे महंगी सैंडल बताया जा रहा है। द मून स्टार नाम की सैंडल को इटली के मशहूर डिजाइनर अंतोनियो विट्री ने डिजाइन किया है। बताया गया कि सैंडल में 30 कैरेट के कई छोटे हीरे जड़े हैं। साथ ही इसमें 1576 में अर्जेंटीना में मिले उल्कापिंड के कुछ टुकड़े भी लगाए गए हैं। इस सैंडल को बनाने के बाद डिजाइनर अंतोनियो वेत्रे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले 2017 में भी वो 24 कैरेट सोने के जूतों की जोड़ी बना चुके। रामपुर में SP सांसद आजम खान के मंच से रोने पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि उनके मंच से रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी ने गलत किया है तो स्वाभाविक रूप से वह उसके लिए कटघरे में खड़ा होगा ही, उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। स्वाभाविक रूप से जैसी करनी वैसी होगी। अयोध्या में विवादित स्थल पर दीपक जलाने की विश्व हिंदू परिषद की मांग को प्रशासन ने खारिज कर दिया। विश्व हिंदू परिषद दिवाली के मौके पर अयोध्या में विवादित स्थल पर दीपक जलाने की मांग कर रहा था।
जिसके लिए कई संत कमिश्नर से मिलने पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर विवादित स्थल पर दीपक जलाने की इजाजत देने की मांग की, लेकिन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए किसी भी नए आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन के सहयोग करने के दावे के बाद सभी संत वापस लौट गए। कमिश्नर साहब ने हम लोगों के जो मांग था उस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया, सोचा समझा और कहा कि हर संभव प्रशासन आपको मदद करेगा। प्रशासन ने संतों से किसी भी नए आयोजन के लिए कोर्ट से इजाजत लेने की अपील की। उस परंपरागत व्यवस्था से भिन्न अन्यथा कोई भी व्यवस्था है तो संबंधित पक्ष को माननीय न्यायालय में ही उसके अनुदोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। होशंगाबाद में 4 नेशनल लेवल के हॉकी खिलाड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक बेकाबू कार की सड़क किनारे गड्ढे में पलट जाने से 4 नेशनल लेवल के हॉकी खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 खिलाड़ी घायल हो गए। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड के राजा और महारानी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। दिल्ली के राजघाट पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मार कर वहां पर बनाए जा रहे मिलावटी दूध और सड़े हुए खाने पीने के सामान को बड़ी संख्या में नष्ट करवाया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक रैली के समय बीएसपी प्रमुख मायावती ने सही समय आने पर बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही। कि मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा जरूर लूंगी किंतु सही व उचित समय। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी पर पुल न बने होने पर एक ट्रैक्टर को नाव पर लाद कर नदी पार करनी पड़ी। बिहार के खगड़िया में एक अजगर के निकल आने से लोग दहशत में आ गए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर आज से दोबारा खुल जाएगा। यूपी के सहारनपुर में गाय के नाले में गिरने के बाद इलाके के लोगों ने उसका रेस्क्यू कर सही सलामत बाहर निकाल लिया। वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में विवाद के बाद आईसीसी ने सभी बड़े टूर्नामेंटों के नियमों में बदलाव करते हुए सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में सुपर ओवर तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक कोई एक टीम ज्यादा रन बनाकर विजेता न बन जाए। खबर है कि टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान जल्द ही एक तमिल फिल्म में काम कर सकते हैं। आईसीसी ने जिम्बाब्वे और नेपाल को अपने सदस्य के रूप में फिर शामिल करने का फैसला किया। दोनों देशों को इस साल जुलाई में बोर्ड के कामकाज में दखल देने के आरोप में निलंबित किया गया। गुजरात के सूरत में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए चीन की तर्ज पर एक बड़ा सा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में ही बनने वाला ये एयर प्यूरिफायर टावर 10 मीटर चौड़ा और 24 मीटर ऊंचा होगा, जिसमें लगी 25 हॉर्स पावर की मशीन की मदद से एक दिन में 30,000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ किया जा सकेगा। इस प्यूरिफायर को बनाने के लिए क्लीन एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर और IIT के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। इस एयर प्यूरिफायर के बनने के बाद करीब 1,00,000 लोगों को साफ हवा मिल पाएगी। इसके साथ ही मोबाइल वैन में भी छोटे एयर प्यूरिफायर लगाकर शहर के अलग अलग हिस्सों की हवा साफ करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे एक आदमी पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पैसों का विवाद था, जिसकी वजह से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के आदमी पर हमला कर दिया। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाथ में डंडे लिए 2 बदमाश वहां पहुंचते हुए दिखे। हमलावरों ने वहां बने मकानों के दरवाजे भी बाहर से बंद कर दिए। दरवाजा बंद करने के बाद एक हमलावर ने बाहर गली में सो रहे आदमी पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले से वो आदमी बुरी तरह घबरा गया, लेकिन हमलावर उसे पीटता रहा। इस बीच गली में सो रही एक महिला भी जाग गई, जिसके बाद दोनों हमलावर वहां से भाग गए। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट की घटना हुई जो सीसीटीवी में फुटेज में दिखाई दे रही है, तो उसमें थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें 2 लोग साफ मुकदमा दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी नेता से बदसलूकी का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बीजेपी नेता ने कुछ लोगों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। कौन जाम खुलवाने में इस बात को लेकर हमारा विवाद, 20-25 लोग होके इकट्ठे होके आए, फिर वो गाड़ी में गिरा, गाड़ी में आके उन्होंने हमारा रिवॉल्वर छीनने का प्रयास करा। मुंबई के पास ठाणे में एक भोजपुरी अभिनेत्री ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई। महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर होने वाले मतदान का इंटरनेट के जरिए सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। राज्य में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली के वजीराबाद में कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। बताया गया कि वहां रहने वाले एक लड़के का स्कूटर हमलावरों की बाइक से टकरा गया था।
जिससे गुस्साए लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। इस बीच 4 से 5 लड़कों ने बाहर खड़े 2 लड़कों को खींचा और उन पर लात घूंसे बरसाने लगे। अचानक मारपीट शुरू होने से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां मौजूद महिलाएं बीच बचाव की कोशिश करने लगी। पहले 2 थे, फिर उसने कॉल करके और बंदों को बुला लिया और उसने हमारी बेटी पे अटैक किया, मुझ पे अटैक किया, सब सीसीटीवी में फुटेज में देख लेना। हमलावरों ने वहां जमकर पथराव भी किया। काफी देर तक हंगामा करने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। वहां मौजूद महिलाओं ने हमलावरों पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। बाकी यहां पे सब खड़े हुए थे, उन्होंने किसी ने कोई कुछ नहीं करा। हम लोग यहां से आते जाते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, हमारी गली के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं। सीसीटीवी में दर्ज इस पूरी घटना के आधार पर परिवार ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। दिल्ली में मेट्रो लाइट यानी मौजूदा मेट्रो से छोटी ट्रेन चलाने को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मंजूरी दे दी। अब ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया है, जिसके मंजूर होने के बाद दिल्ली के कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 के बीच 19 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो लाइट ट्रेन चलाई जाएगी। इस रूट पर 21 स्टेशन होंगे, जिनमें ब्लू लाइन मेट्रो के 3 स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी होगी। ये ट्रेन मौजूदा मेट्रो से छोटी होगी और 3 कोच वाली इस ट्रेन में 300 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रो लाइट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मेट्रो ट्रेन की तुलना में खर्च कम करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, एक्सरे और सामान को स्कैन करने का सिस्टम नहीं होगा। मेट्रो ट्रेन की तरह ही मेट्रो लाइट ट्रेन के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा, ताकि सड़क के ट्रैफिक पर इसका कोई असर न पड़े। FATF में ब्लैकलिस्ट से बचने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक टेरर फंडिंग के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाने की वजह से पाकिस्तान को FATF की डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। FATF के नियमों के मुताबिक डार्क ग्रे कैटेगरी ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बीच की एक कैटेगरी है, जिसमें डाले जाने का मतलब पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी जैसा होगा। यानी अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरता तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे 27 पॉइंट पर सुधार करने के लिए कहा गया। लेकिन पाकिस्तान इन 27 में सिर्फ 6 पॉइंट पर ही खरा उतरा, जिसके बाद उस पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा और बढ़ गया। पूरे देश में लगातार बढ़ रही सब्जियों की कीमतों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश से फसल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया, जिस वजह से बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ गए। मंडी में 15 दिन पहले 50 से 60 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन अब 180 रुपए का एक किलो मिल रहा है। इन दिनों दिल्ली में लहसुन के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों ने खरीदारी जो है वो कम कर दी है। सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का मानना है कि सब्जियों की कीमत बढ़ने से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ा। खरीदारी जो है लोगों की वो कैसी हो गई है? वो कम हो गई है, बिक्री में कम है। वहीं लोगों ने भी लगातार सब्जियों की कीमत में उछाल आने से बजट बिगड़ने का दावा किया। इससे तो घर में भी परेशानी हो रही है, बजट में भी प्रभाव पड़ रहा है। सब्जी महंगी है, कोई सब्जी तिगुने दाम से कम है ही नहीं है। बाजार में कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जिसकी कीमतों में गिरावट आई हो। सब्जियां जो है काफी महंगी दिखाई दे रही है, 40 से 60 रुपए किलो हर सब्जी है। कोई भी सब्जी इससे कम में बेची नहीं जा रही है। लोगों ने मजबूरन जरूरत से कम मात्रा में सब्जी खरीदना शुरू कर दिया है। जो 5 किलो लेते थे अब 2.5 किलो दे रहे हैं, जो 1 किलो लेते थे उनको 3 पाव भर कर दिए। हर चीज महंगी है, यहाँ तक की धनिया की पत्ती भी डालने की नहीं है सब्जी में। 5 रुपए की 5 डंडी दी जा रही है। दुकानदारों को उम्मीद है कि अगले एक महीने में सब्जी के दाम कम हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन सेवा बहाल होने के बाद से बौखलाए आतंकवादियों ने शोपिया में राजस्थान के ट्रक ड्राइवर शरीफ खान की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने बाग के मालिक की भी पिटाई की। खबर है कि इस घटना में शामिल एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस के मुताबिक घाटी में फलों से भरे ट्रकों की आवाजाही शुरू होने से हताश होकर आतंकवादियों ने यह हमला किया है। वहीं ड्राइवर की मौत को लेकर पुलिस 15 लोगों से पूछताछ कर रही है। भुवनेश्वर में आज से आरएसएस के कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू होगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज से 20 अक्टूबर तक मोहन भागवत की अगुवाई में आरएसएस के कार्यकारी मंडल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 लड़कों का खुद को विदेशी बताकर एक दुकानदार से 20,000 रुपए ठगने की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पटना में आई भीषण बाढ़ के बाद नीतीश सरकार ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम के चीफ इंजीनियर समेत 20 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के संभल में बाइक सवार तीन लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर करीब 20 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त कर लिए। फिल सिमोंस को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। कबीर सिंह की सफलता से उत्साहित शाहिद कपूर एक बार फिर तेलुगु फिल्म जर्सी की हिंदी रीमेक में काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी दूध बनाने का सामान जब्त कर लिया। एक्टर नसीरुद्दीन शाह के मॉब लिंचिंग पर दिए गए बयान पर दो दिन बाद घमासान ज्यादा तेज हो गया। दो दिन पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। और इस तरह की घटनाओं से समाज में खुलेआम नफरत का माहौल बनने की बात कही थी। नसीरुद्दीन शाह का ये बयान बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आया। बीजेपी ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। We are tolerant and this is the cause why all are safe in this country. How there is hatred? So nobody will take OVC or Nasiruddin Shah seriously, I think. वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तो एक कदम आगे बढ़कर नसीरुद्दीन शाह पर हमला बोला। ऐसा है, those who are mental case, they are mental case. कांग्रेस ने 49 हस्तियों की पीएम को लिखी चिट्ठी का जिक्र करते हुए नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन किया। सबों ने ये बात स्वीकार की है कि आज देश की स्थिति बहुत ही दयनीय है। दिन प्रतिदिन एक नफरत घृणा का माहौल बन रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में जमकर बवाल हुआ। वहां टीएमसी के कार्यकर्ता के घर के पास ही बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में इलाके के लोगों और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जैम कर दी और जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने रास्ते में टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया। बवाल को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंची और सड़क पर बैठे लोगों को उठाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों की पुलिस से ही झड़प हो गई। टीएमसी नेताओं ने इस हत्याकांड के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया। राजस्थान सरकार ने मेयर के चुनाव का नियम बदला। राजस्थान सरकार ने अगले महीने होने वाले निगम चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत मेयर का चुनाव जनता नहीं बल्कि पार्षद करेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। जब कभी चुनाव होंगे नगर परिषदों के, पालिकाओं के और निगम के, वो सब अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चाइनीज मशीन से लिंग की जांच करने वाले एक सेंटर पर छापेमारी की गई, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को ऐसे सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। भोपाल में बीजेपी ने गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया, लेकिन बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा इसमें शामिल नहीं हुई। स्वास्थ्य उनका वायरल फीवर है, जिसके कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। कल से वो सभी विधानसभाओं में अपने अपने स्थान पर कार्यक्रम करने के लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में सरकारी गौशालाओं में गायों की कमी पाई जाने पर नाराजगी जताई और जिले के डीएम समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दिल्ली के आदर्श नगर में मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास लुटेरों ने दो कारोबारियों से लाखों की नकदी लूट ली। चारों बंदे अलग अलग तरफ गए, चारों के हाथ में पिस्टल दे रखी थी। जो भी गाड़ी के अंदर बैग पड़ा था उन्होंने बैग निकाल लिया, जो कैश वाला बैग था वो ले गए। बिहार सरकार बाढ़ से परेशान पटना और बेगूसराय समेत 15 जिलों के लोगों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वडोदरा में खेले गए तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 रन से जीत हासिल कर ली। इसी के साथ भारत ने ये वनडे सीरीज 3-0 से जीती। विराट कोहली रैंकिंग में जल्द नंबर 1 खिलाड़ी बन सकते हैं। टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले कोहली को 37 अंकों का फायदा हुआ, जिससे अब वो पहले पायदान पर मौजूद स्टीव स्मिथ से सिर्फ 1 अंक पीछे 936 अंकों पर पहुंच गए। केन्या के एथलीट ब्रिजिट कोसगे ने 2 घंटे 14 मिनट और 4 सेकंड में मैराथन पूरी की, जो महिलाओं में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। Smashes the world record by a minute and 22 seconds. गुजरात के वडोदरा में लोगों ने 8 फीट लंबे एक मगरमच्छ को पकड़ लिया। ये मगरमच्छ नदी से निकलकर एक खेत में घुस आया था, जिसे वन विभाग की टीम ने लोगों की मदद से पकड़ लिया। पिछले महीने वडोदरा में भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद मगरमच्छ नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस आए थे। ये वही मगरमच्छ हैं जिन्होंने किसानों के खेतों में अपना आसरा बना लिया था, लेकिन लोगों ने जैसे ही मगरमच्छ को देखा उन्होंने वन विभाग को खबर दी, जिसके बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया।
दिल्ली में हवा की क्वालिटी एक बार फिर बेहद खराब के स्तर तक पहुंच गई है। दिल्ली के द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 336 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में भी AQI 300 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी दिन भर दिन खराब होती जा रही है। इस वक्त ओवरऑल दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात करें तो ये आप देखेंगे 252 बनी हुई है, यानी कि पुअर कैटेगरी में बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर बात करें तो ये स्तर जो है ये बेहद खराब यानी कि वेरी पुअर क्वालिटी तक बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं INA के पास और आप देख सकते हैं कि धुंधलापन है वो साफ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी पर पॉल्यूशन का जो फर्क है वो दिखने लगा है। जाहिर तौर पर समय आ गया है जब फसलों की पराली को जलाया जाता है और उसका असर सबसे पहले दिल्ली में देखने को मिलता है, जो कि फिलहाल देखना शुरू हो गया है। एक हफ्ते पहले तक दिल्ली में नीला आसमान नजर आता था और अब फिलहाल जो धुंधलापन है वो दिखता है। विजिबिलिटी पे इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली के बड़े इलाकों की अगर बात करें, लोधी रोड की बात करें, तो वहां पर भी अभी जो एयर क्वालिटी है वो खराब स्थिति में है। ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करें तो जहां जहां ये मानक तय किए जाते हैं, पूरी दिल्ली में ऐसा एक भी स्टेशन नहीं है जहां पर एयर क्वालिटी जो है वो मॉडरेट हो यानी कि ठीक हो। हर जगह स्थिति जो है खराब से बेहद खराब की ओर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट तकु शर्मा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। यूपी के बाराबंकी में ट्रैक्टर को नाव पर रखकर नदी पार करवाई गई। दरअसल नदी में पुल ना होने की वजह से गांव वालों ने अपने ट्रैक्टर को नाव पर बांध दिया, फिर नदी पार की। ट्रैक्टर को नाव पर रखकर नदी पार करने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने अकाली दल को एक भी सीट नहीं दी, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। खुद चुनाव प्रचार में जुटे अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन पंजाब और केंद्र में अब भी है, लेकिन हरियाणा में दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी। सीएम मनोहर लाल खट्टर का तो ये कहना है कि सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर अकाली दल ने हरियाणा बीजेपी को सहमति नहीं दी, इसलिए पार्टी ने भी चुनाव में उसे सीट देने से इनकार कर दिया। सीट नहीं मिलने से अकाली दल खफा हो गया। गलत फहमी जी बनी पई है कि आज बीजेपी दी हवा है आम। सरसे दे फतेहबाद जिले च मन्ने दे एक सीट नहीं आउंदी बीजेपी। इधर मैं हुणी उधर पुछया सी रोहतक साइड दा काम है ही नहीं यार। हवा बनाउण वाले भी तुसी हैं ते रोकण वाले भी तुसी हैं। मैं तुहानू दसां, बादल ने एक दूसरी रैली में भी बीजेपी के खिलाफ बयान दिया। हरियाणा विच बहुत तेजी नाल सिचुएशन खत्म हो रही है। जेड़े सोचदे सरकारां बनाउणगे उह सारे ऑपोजिशन छोड़णगे। बादल के हमलों के बाद बीजेपी की तरफ से भी उन पर पलटवार किया गया। अकाली दल के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोग राज में हिस्सेदारी चाहते हैं, सिख समाज भी चाहता है और वो बीजेपी के माध्यम से मिल रही है। हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई दोनों पार्टियों के बीच पंजाब और केंद्र में गठबंधन है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी से सीट नहीं मिलने पर अकाली दल ने इंडियन नेशनल लोक दल का हाथ थाम लिया है। 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को देने का ऐलान किया गया। ये पुरस्कार उनको दुनिया से गरीबी हटाने पर की गई रिसर्च के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए उनके नाम का ऐलान किया गया। इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी ईस्थर डुफ्लो और अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर एक साथ साझा करेंगे। This is in memory of Alfred Nobel for 2019, jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kramer for their experimental approach to alleviating global poverty. Abhijit Banerjee aur unki patni Esther Duflo ne Nobel ke liye chune jaane par khushi zahir ki. I mean, it's a wonderful to get this prize. But it's particularly wonderful, I think, because it's a prize not, I think, for us, but also for the entire movement. नोबेल पुरस्कार के लिए अभिजीत बनर्जी के नाम का ऐलान होने पर उनकी मां निर्मला बनर्जी भी बेहद खुश दिखी। इस बड़ी उपलब्धि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM नरेंद्र मोदी ने भी अभिजीत बनर्जी को बधाई दी। हालांकि अभिजीत बनर्जी की इस उपलब्धि पर देश में सियासत भी शुरू हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था पर अभिजीत बनर्जी के एक बयान को विपक्ष ने हथियार बना लिया और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बनर्जी ने देश की अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट की आशंका जताई थी। So the economy is slowing very, very fast. How fast, we don't know.
is this dispute about data, but I think fast. Unki is bayan ki bahane MIM adhyaksh Asaduddin Owaisi ne seedhe PM Modi par nishana saad diya. Jisko Nobel Prize mila aaj economics mein wo keh raha hai hamari economy dul 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 dul. कांग्रेस ने अभिजीत बनर्जी के जेएनयू से पढ़ाई करने का जिक्र किया और सरकार पर हमला बोला। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आ रहे ड्रोन से निपटने के लिए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इस सिस्टम के जरिए सुरक्षा बल को 10 सेकंड में पाकिस्तान से भेजे जाने वाले ड्रोन का पता लगाने में मदद मिलेगी। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए भारत में हथियारों और ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसे रोकने के लिए बीएसएफ ने केंद्र सरकार से एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग की है और इस सिस्टम की मदद से 10 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी ड्रोन को ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही बीएसएफ ने दिन रात सीमा की निगरानी करने में सक्षम सिस्टम की भी मांग सरकार से की है, जिसे खरीदने की इजाजत बीएसएफ की मीटिंग में सुरक्षा बल को मिल गई है। मिदनापुर में टीएमसी के कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल की पूर्व मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार की छपरा में स्थानीय चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद नाराज लोगों ने डीएम के घर का घेराव कर हंगामा कर दिया, जिसके बाद 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के टावा में बेखौफ बदमाशों ने टीवी एंकर की पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। बिहार की वैशाली में एक तालाब से 2 नवजात बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट पर 12 अलगाववादी नेताओं को एक मामले में 13-13 साल की सजा मिलने के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा किया। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर अवैध पटाखों की सैकड़ों पेटियां जब्त कर ली। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के समय एक रोड शो किया। 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सियेरा लियोना से भारत रवाना हो गए। राजस्थान के कोटा में रेजिडेंट डॉक्टरों के हॉस्टल में 6 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक कार्यक्रम के दौरान लोक गायक राजभा गढ़वी पर लोटों की खूब बारिश हुई और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ वहां जुटी थी, जिनमें कई लोग स्टेज के पास खड़े होकर लोक गायक राजभा गढ़वी के गाने के साथ साथ उन पर नोट बरसाते रहे थे। हारमोनियम के साथ गाना गा रहे गायक जैसे ही अपना सुर बढ़ाते, लोग और जोश के साथ उन पर नोट बरसाने लगते। इस वजह से स्टेज पर नोटों की चादर बिछ गई। कुछ लोग स्टेज के नीचे गिर रहे नोटों को उठा भी रहे थे। लगातार हो रही नोटों की बारिश के बाद वहां इतने नोट जमा हो गए कि उन्हें गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। 8 से 10 लोग नोटों की गड्ढियां बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन नोट कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। बताया गया कि कार्यक्रम के खत्म होने तक नोटों की बरसात का सिलसिला चलता रहा। गुजरात के गांधीनगर में एक स्कूल में परीक्षा के समय महात्मा गांधी पर पूछे गए सवाल पर बवाल मच गया। सवाल था कि महात्मा गांधी ने खुदकुशी के लिए क्या किया था, जिस पर विवाद होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। जबकि कांग्रेस ने सरकार पर बच्चों के मन में नई विचारधारा थोपने का आरोप लगा दिया। गांधी विचारधारा से वो अलग उनकी विचारधारा है, उस धारा को इम्पोज करने के लिए वो इस तरह से नई जनरेशन पे उस बात को दोहराना चाहते हैं। हालांकि बवाल बढ़ते ही शिक्षा विभाग ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हमने इंक्वायरी दे दी है, जब इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा उसके बाद इसकी आगे की कार्यवाही की जाएगी। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो कॉल असिस्टेंट लॉन्च किया है। इंडियन मीडिया कांग्रेस में कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दुनिया का पहला वीडियो कॉल असिस्टेंट बॉट लॉन्च किया और ये एक ऐसा असिस्टेंट है जिसका इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को मोबाइल में कोई ऐप अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कंपनी का ये दावा भी है कि इसका इस्तेमाल करते वक्त कॉल वेटिंग भी नहीं जाएगी। बॉट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो लोगों के सवालों के एकदम सटीक जवाब देगा। इस ऐप में ऑटो लर्निंग सिस्टम है जिसके इस्तेमाल के जरिए वीडियो कॉल असिस्टेंट खुद ही अपने जवाबों को बेहतर बनाता रहेगा। थाने के मुमरा स्टेशन पर चलती ट्रेन में मोबाइल झपटमारी करना एक चोर को भारी पड़ गया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में साफ दिखा कि एक मोबाइल चोर चलती ट्रेन में मोबाइल छीन कर नीचे कूदा और दौड़ लगा दी, जबकि उसके पीछे वो लड़का भी ट्रेन से कूदकर दौड़ने लगा जिसका मोबाइल चोर ने चुराया था। इस बीच दोनों अपनी जान की भी परवाह नहीं करते रहे। चोर ने स्टेशन पर ही लंबी दौड़ लगा दी, लेकिन लड़का भी हार नहीं माना और चोर के पीछे दौड़ता रहा।
वहीं लड़के की आवाज सुनकर स्टेशन पर मौजूद एक पुलिस वाला भी दोनों के पीछे दौड़ने लगा और करीब एक मिनट बाद पुलिस वाला और लड़का उस चोर को पकड़कर वापस लौटते हुए दिखाई दिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने की योजना पर काम शुरू करने का दावा किया। अयोध्या को उसकी पहचान दिलाना, दीपोत्सव का कार्यक्रम इसी से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का समग्र विकास, तीर्थ यात्रियों के लिए भी, पर्यटकों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं विकसित हों, उसके लिए सरकार ने अपनी कार्य योजना आगे बढ़ाई है और उसी कार्य योजना को लेकर के हमारी सरकार कार्य कर रही है। यूपी के हापुड़ में पुलिस हिरासत के समय एक आदमी की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी के मारे गए आदमी को पुलिस वालों ने फोन कर थाने बुलाया था और पिटाई के बाद हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग थाने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों से भी नाराज लोगों की काफी बहस हुई। मारे गए आदमी के परिवार वालों ने भी पुलिस पर उन्हें बुरी तरह पिटाई करने का आरोप लगाया। बुला लिए फोन करके, उन्हें ले गए चौकी में, उसके बाद उन्होंने मारे, फिर पुलिस वाले ने मारे हैं। हंगामा बढ़ने के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया, जबकि पुलिस अधिकारियों ने पिलखुआ के इंस्पेक्टर समेत चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पोस्टमार्टम से जो मृत्यु का कारण आएगा और अन्य जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य आएंगे उसके